हैं वो अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए जो है बहुत सारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन कभी कभी इनके जो इस्तेमाल से है फिर भी आपको वो ग्लो, वो रौनक आपके चेहरे पे नहीं आती जो आप चाहती हैं। गर्मियों में तेज धूप के कारण आपकी जो है सनबर्न होने के कारण जो है स्किन की जो रौनक है वो चली जाती है। तो अगर आप की भी साथ यही समस्या है, तेज धूप के कारण आपकी सनबर्न हो रही है स्किन पे और आपका निखार खो रहा है, तो आप जो है आज जो मैं आपको आज की इस वीडियो में जो है एक घर पर होममेड फेस पैक बनाना सिखाऊंगी। अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आपकी जो ये प्रॉब्लम है उससे आपको निजात मिल जाएगी, साथ ही साथ जो आपकी स्किन पे है बहुत ही अच्छा सा ग्लो आ जाएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगने पे इसे लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं भविष्य में जो कोई भी अपलोड लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आए आपके पास सबसे पहले। आप हमारे किसी मैं हूं आपकी होस्ट रितु, आपका हमारे चैनल इंक्रीज ब्यूटी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज के टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं। चलिए पैक बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और सबसे पहले आप जो है क्लीन बाउल ले, जो है ये मसूर दाल का पाउडर जिसे कि मैंने घर पे ही रेडी किया था, वो जो रेड वाली दाल होती है मसूर दाल, उसको हमने जो है बस मिक्सर ग्राइंडर में चला के इसका पाउडर बना लिया। ये बहुत ही अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए। अगर आप एज इट इज़ इससे ही रोज़ जो है अपने डेली नहाने से पहले इस्तेमाल करें तो आपकी स्किन पर बहुत ही ज़्यादा ही निखार आएगा। तो इसका हम जो है 1 स्पून ऐड करेंगे अपने इस बाउल के अंदर। तो मैंने 1 स्पून ऐड किया। देन हम ऐड करेंगे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है चावल का आटा। तो इसे भी मैंने जो है घर पे ही रेडी किया है और ये भी हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसका भी अगर आप अकेला इस्तेमाल डेली करती हैं तो भी आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। तो इसका जो है हम 1 स्पून ऐड करेंगे। तो कर दिया। एंड देन हम जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट ऐड करने वाले हैं फ्रेंड्स, वो आज दिन तक शायद ही आपने इसका इस्तेमाल किया होगा। तो इस इंग्रेडिएंट को है जो ये है सरसों सीड्स पाउडर। तो यानी कि जो सरसों होती है उसको भी मैंने मिक्सर ग्राइंडर में जस्ट जो है पाउडर बना लिया है इसका, और मार्केट में भी ये आपको पाउडर के रूप में आराम से मिल जाता है। तो मेरे पास सरसों था तो मैंने उसको ग्राइंड कर लिया है। और इसका जो है हम बड़ा 1 स्पून ऐड कर देंगे। थोड़ा और ऐड कर रही हूँ। यही मेन इंग्रेडिएंट है हमारा इस पैक को बनाने के लिए, सबसे मेन इंग्रेडिएंट यही है हमारा। इनको आप मिस कर सकते हैं किसी को, लेकिन सरसों सीड्स का पाउडर आपको ज़रूर चाहिए। तो अभी हम इनको जस्ट ऐसे ही मिक्स कर लेते हैं। अभी इसे जो है इसका पेस्ट रेडी करने के लिए हम इसके अंदर जो है कच्चा दूध भी आप ऐड कर सकते हैं, दही भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है एलोवेरा जेल ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। तो एलोवेरा, तो फ्रेंड्स ये जो मैंने एलोवेरा का है वो स्पून ले लिया है और इसे हम मिक्स करेंगे। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम ऐड करेंगे इसके अंदर गुलाब जल। तो गुलाब जल मैं ऐड कर रही हूँ और ये हम उतना करेंगे कि हमारा पेस्ट रेडी हो जाए। तो आप पहले थोड़ा ऐड करें और देन फिर आप ज़्यादा ऐड कर लें अगर आपको और ज़रूरत है। क्योंकि इसके अंदर हमने जितने भी इंग्रेडिएंट डाले हैं वो थोड़े ड्राई हैं तो उसका थिक पेस्ट बनने में हमें जो है ज़्यादा लिक्विड की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये देखिए अभी अच्छे से हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। आप चाहें तो इसमें चुटकी भर जो है हल्दी भी ऐड कर सकते हैं, और मैं तो एज इट इज़ ऐसे ही लगाने वाली हूँ इसे। तो
ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा सा पैक रेडी हो गया है। बस आपको इसे अब यूज़ कैसे करना है वो आप देख लीजिए। आपको जो है अपने फेस को वॉश कर लीजिए, ड्राई कर लीजिए और देन आप इसे अप्लाई करेंगे और 15 मिनट्स तक अपने चेहरे पे लगा रहने के बाद आपको रब करते हुए, रगड़ते हुए धीरे धीरे अपनी स्किन से इसे निकालना है। जैसे कि हम स्क्रब करते हैं उस तरीके से आप इसको रिमूव करेंगे, धोएंगे नहीं, पहले रिमूव करेंगे अच्छे से, देन आप जो है क्लीन वाटर से अपना जो है फेस को वॉश कर लेंगे एंड देन फिर आप कोई भी अच्छे से क्रीम अपने फेस पे लगा लें या जस्ट एलोवेरा जेल ही लगा लें। और ऐसा जो है आप दिन में 2 टाइम कर सकती हैं, गर्मियों के दौरान आप 2 टाइम्स कीजिए और जो है कंटिन्यू आप ऐसा करें हर रोज़, तो आपको जो है बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। आपकी जो सनबर्न की समस्या है उससे आपको निजात मिल जाएगी और गर्मियों में भी जो आपका चेहरा है वो बहुत ही खिला खिला सा आपको नज़र आएगा। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का टॉपिक, मेरा वीडियो। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपको फिर किसी नए अपलोड के साथ, फिर किसी समय, फिर किसी वक्त। तब तक के लिए।